छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पाती दिखाई दी। कई एग्जिट पोल तो ऐसे भी थे जिनमें बीजेपी के की प्रचंड जीत दर्ज करने का दावा किया गया। मतलब 2018 के नतीजों से उभरते हुए बीजेपी की तगड़ी वापसी के संकेत मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव के 7 बड़े एग्जिट पोल में 4 ने बीजेपी को बहुमत मिलने की उम्मीद जताई, जबकि 3 एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी में 19-20 का फर्क बताया। मतलब इन एग्जिट पोल में ये संकेत मिले कि मध्य प्रदेश में जारी इस मैच का फैसला आखिरी ओवर तक जा सकता है। हालांकि जिन एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखी, उनमें एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में तो बीजेपी 160 सीटों का आंकड़ा पार कर गई, जबकि कांग्रेस 100 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई। और ये अकेला एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 140 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 80 सीटें आती दिखी। कुछ ऐसा ही इशारा टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भी मिला। इस एग्जिट पोल में बीजेपी 150 सीटों पर बढ़त बनाती दिखी, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 74 सीटें मिलती नजर आई। इसके अलावा मैट्रीज के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 118 से 130 सीटें मिलती दिखी, जबकि कांग्रेस 97 से 107 सीटें पाती नजर आई। मतलब ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में वापसी करती दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है और इन एग्जिट पोल में बीजेपी को आसानी से बहुमत हासिल होने के संकेत मिलते नजर आए। और माना जा रहा है कि बीजेपी की इस बढ़त के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी चुनावी रणनीति रही। जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले जो कई बड़े फैसले किए और एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ये संकेत दिए कि उन्हीं फैसलों ने बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता खोला, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी शानदार वापसी करती दिखाई दी। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि वहां पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान सरकार का चेहरा है। लेकिन जानकारों का मानना है कि बीजेपी आलाकमान ने इस आशंका को पहले ही भांप लिया था और माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने 2023 के चुनाव में सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बना रखा। इसके अलावा बीजेपी ने चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारा, साथ ही 7 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव के टिकट दिए। और एग्जिट पोल में तगड़ी बढ़त बनाने के बावजूद बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के सवाल पर चुप्पी साधे दिखे। जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेंगे वही होने वाला। जानकारों का मानना है कि बीजेपी को इस कदम का फायदा भी हुआ। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने से बीजेपी को फिर एक बार जनता का भरोसा जीतने में मदद मिली, जिसका असर ये रहा कि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती दिखी। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को मिली इस बढ़त की बड़ी वजह शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को भी माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने 18 साल के शासन में जो योजनाएं चलाई, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी के खतरे के बावजूद बीजेपी को बढ़त दिलाई। और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को माना जा रहा है। इस योजना का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही किया था। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए देने का ऐलान किया गया। वहीं पहले से चल रही लाडली लक्ष्मी योजना ने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की दावेदारी को मजबूत किया, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 29 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटरों की तादाद ज्यादा है और माना जा रहा है कि इसी का फायदा बीजेपी को 2023 के एग्जिट पोल में मिलता दिखाई दिया। लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का महिला सशक्तिकरण का एक लंबा सफर है, जिसने बहनों के हृदय में एक अलग स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया। हालांकि बीजेपी की इस बढ़त की एक वजह कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी माना जा रहा है, क्योंकि 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। ये वो इलाका है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की अच्छी पकड़ मानी जाती है और 5 साल बाद यानी 2023 के चुनाव में वो इसी इलाके में बीजेपी का झंडा लिए नजर आए। बीजेपी को उम्मीद थी कि सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर मिलकर ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को बढ़त दिलवा सकते हैं और ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की ये उम्मीद पूरी होती नजर आई। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोलों में पिछड़ने वाली कांग्रेस ने ये उम्मीद जताई कि 3 दिसंबर को नतीजा उसके पक्ष में आएगा। 2018 में जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले कमलनाथ ने तो ये ऐलान भी कर दिया कि वो 2018 के नतीजों को दोहराने वाले।
मतलब कमलनाथ के मुताबिक वो फिर एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिया कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही जीत का परचम लहराएगी। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें। माना जा रहा है कि कांग्रेस को ये भरोसा उन एग्जिट पोल की वजह से मिला जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की, क्योंकि 7 बड़े एग्जिट पोल में 3 ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा ताकतवर बता रहे हैं, और इनमें ईटीजी के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 109 से 125 सीटें तक हासिल होने की उम्मीद जताई गई, मतलब वो अकेले ही बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आई। इसके अलावा जन की बात के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलती दिखी, और पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस 121 सीटों पर कब्जा करती दिखाई दी। मतलब अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हुए तो कांग्रेस दोबारा मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल कर सकती, और इस बार उसे पिछली बार की तरह निर्दलीय विधायकों और मायावती की पार्टी बीएसपी का साथ भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इन एग्जिट पोल में वो बहुमत के जादुई आंकड़े 116 को पार करती दिखाई दे रही।